हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन कुछ इस तरह है। ए एंड बी अर्न 320 रुपीज़ इन 4 डेज। ठीक है, ए और बी पैसे कमाते हैं 320 रुपये मिलकर 4 दिन में। बी एंड सी अर्न ₹450 इन 10 डेज। बी और सी मिलके 450 रुपये कमाते हैं 10 दिन में। तो ए बी एंड सी अर्न 600 रुपीज़ इन 5 डेज। इसने बोला है कि और ये अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो 600 रुपये कमाते हैं 5 दिन में। ठीक है, तो इसने पूछा फाइंड द डेली अर्निंग ऑफ बी। बी की डेली अर्निंग क्या है वो बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो जो गिवन है पहले उसी से चालू करते हैं। ए प्लस बी मिलके कमाते हैं 320 रुपीज 4 दिन में। ठीक है, 4 दिन में कमाते हैं वो। तो एक दिन में कमाने के लिए क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, इसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे बस। 320 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, तो ये दोनों मिलके दिन का 80 रुपीज कमाते थे, जो मोटी मोटी बात है। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे बी एंड सी का। तो बी प्लस सी कितना कमाते हैं? ₹450 कितने में? 10 डेज में। ठीक है, तो एक दिन में कितना कमाएंगे? बी प्लस सी डिवाइड 450 डिवाइड बाय 10, तो 0 से 0 कट गया विच इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी का। ए प्लस बी प्लस सी ये कितने रुपीज़ कमाते हैं? 600 रुपीज़ 5 डेज में। ठीक है, अब हम निकालेंगे 1 डेज का। ए प्लस बी प्लस सी 1 डे का कितना है इनका? 600 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 120। ठीक है, तो हमारे पे तीन इक्वेशन आ गए हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को हम आगे लेके सॉल्व करेंगे। तो देखो, ए प्लस बी मिलके करते हैं 120 डेज में, ए प्लस बी प्लस सी मिलके। ठीक है, ये सब मिलके 120 डेज में। हमसे पूछा है कि अर्निंग ऑफ बी। ठीक है, अर्निंग बी की हमें पूछे, तो हम क्या करेंगे? देखो, हम बी की यहीं से ही निकालेंगे सॉल्व करके। ठीक है, तो ए प्लस हम पहले निकालेंगे बी और सी की। बी और सी मिलके कितने में कमा रहे हैं? 450 में। ठीक है, तो बी और सी का हो गया 450 इक्वल्स टू 120। देखो, कुछ नहीं किया, जो ऊपर वाली इक्वेशन है मैंने इसमें बस बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो हमारी ए की यहाँ से अर्निंग आ जाएगी। ए की होगी 120 -45 विच इज इक्वल्स टू ₹75। ए की अर्निंग आ गई 75। ठीक है, अब हमें बी की निकालनी। बी की निकालने के लिए क्या करेंगे? ए इक्वेशन में पुट कर देंगे। ए इक्वेशन है ए प्लस बी इक्वल्स टू ₹80। ठीक है, तो बी की कितनी हो जाएगी? 80 माइनस ए विच इज इक्वल्स टू 80 माइनस 75 विच इज इक्वल्स टू ₹5। तो बी की अर्निंग होगी 5। तो अब देखो, हम ए और बी की वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं। अब आप ये देखिए कि अगर उसने अर्निंग सी की पूछी होती तो हम क्या करते? सी वाले में हम कुछ नहीं करते, हमें बी प्लस सी की वैल्यू पता है कितनी है, 45। ठीक है, हमें बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू क्या करेंगे? 45 माइनस बी विच इज इक्वल्स टू 45 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू ₹40। तो देखो, हमने ए की भी निकाल ली, बी की भी निकाल ली और सी की भी निकाल ली बड़े आराम से। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको आपके कोई डाउट आ रहा है आपके पास, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, वो पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, बहुत अच्छे से वीडियो बना के सॉल्व करूंगा। और आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।